तो चलिए आज हम मटर मखाने की बहुत ही टेस्टी सब्जी बना के तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिया है, 2 टमाटर है, 2 हरी मिर्च है, 8-10 कलियां लहसुन की, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 1 कटोरी हमारा मखाना है तो उतने ही मात्रा में हमने मटर को भी लिया है। मटर को हम 1 कटोरी में डाल लेंगे। इसी सेम कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। कटोरी को हमने गैस पे चढ़ा लिया है। मटर को हम धीमी आंच पे 10 मिनट बॉयल कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में तो खूब हरे हरे मटर मिल रहे हैं, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। जब तक हमारे मटर उबल रहे हैं, हम प्याज को बारीक काट लेते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रामरति की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्याज को हमने बारीक काट लिया है। टमाटर, लहसुन, अदरक सभी को हम मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को हमने ऐसे ही रफली चॉप किया है। मटर को हमने गैस पे से उतार लिया है। अब इसमें हम आधा कटोरी ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो पाएगा। मटर को हमने गैस पे से हटा लिया है और एक तवा को चढ़ा लिया है। तवे पर हम मखाने डाल के इसे क्रंची होने तक भून लेंगे। इसे भूनते समय गैस की आंच मीडियम ही रखें। 7 नट हो चुके हैं, मखाने हमारे अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। देखिए क्रंची हो चुके हैं, तो चलिए इसे हम हटा लेते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें हम खाने वाली नॉर्मल चम्मच से 5 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 1 इलायची को लिया है। अब इसमें हम प्याज को डाल लेते हैं। प्याज को हम धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। जब एक बार इस मटर मखाने की सब्जी बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, तो चलिए अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल लेते हैं। टमाटर को भी हम धीमी आंच पे भून लेंगे। टमाटर प्याज को भूनते भूनते हमें 6 से 7 मिनट का समय हो चुका है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसालों को हम धीमी आंच पे 5 मिनट और भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मटर डाल के इसे भी 4 मिनट से 5 मिनट भून लें। मटर को भूनते भूनते हमें 5 मिनट का समय हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल लें। मैं 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2 चम्मच दूध की मलाई डाल लेते हैं। इसके बदले आप दही को भी डाल सकते हैं। मलाई डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम 1 उबाल आने देते हैं। 1 उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम मखाने को डाल लेते हैं। मखाने को डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट इसे हम ढक के पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी सब्जी देखने में ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है, तो आप भी बेफिक्र होकर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।